क्षमा सम्राट क्षमा, किंतु असहमति का विरोध या सम्मान करना एक राजा को आना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त ने शासन के मत से असहमति व्यक्त की, यह उनका अपना अधिकार था। असहमति नई दिशाएं ढूंढती है महाराज, असहमति नई दिशाएं ढूंढती है। बुद्ध ने वेदों से सहमति व्यक्त की, महावीर ने असहमति व्यक्त की, चार्वाक ने असहमति व्यक्त की। असहमति क्या, विरोध हमारी परंपरा रहा है महाराज। इसलिए कहता हूं, यदि एक शिक्षक ने, एक बुद्धिजीवी ने, ज्ञान की आराधना करने वाले ने मृत्यु के डर से सच बोलना बंद कर दिया, तो वो दिन शास्त्रों की पराजय का दिन होगा सम्राट, शास्त्रों की पराजय का दिन होगा। इसलिए कहता हूं, एक शिक्षक को गिड़गिड़ाने को, भीख मांगने को मत कहिए, उसे तो कहिए सिंह की तरह गर्जना करने को। इसी में हम सबका भविष्य सुरक्षित है। कहते हैं ना, विप्र कभी शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता सम्राट, उसका तो हथियार है क्रोध। क्रुद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रा, कुपित ब्राह्मण संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकता है सम्राट, संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकता है।